प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष, दुनिया जानती है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों का एग्जिट पोल, त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत, मेघालय में हंग असेंबली का अनुमान। पीएम के छतरी वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, पूछा जिगरी दोस्त ने किसकी छत्र छाया में देश लूटा। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान, कोनराड संगमा ने बीजेपी से गठबंधन के दिए संकेत। कोर्ट ने लालू यादव, राव देवी समेत अन्य आरोपियों को भेजा समन, नौकरी के बदले जमीन लेने का है मामला। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन है, जहां आज बजट पर चर्चा होगी। वहीं चर्चा के दौरान आज फिर भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। बता दें कि 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की घोषणाओं को गांव-गांव और गली-गली तक जनता के बीच पहुंचाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए योजना पहुंचाएगी। केंद्र के कामकाज की कार्य योजना बीजेपी ने बनाई, जिसके लिए भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने रणनीति बनाई है। वर्चुअल बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई। रायबरेली जिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया गया तो सड़कों पर आंदोलन कर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। ईडी द्वारा इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आगामी त्योहारों को लेकर थाना अलापुर परिसर में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दातागंज उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, क्षेत्र अधिकारी कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले वक्त में हिंदू मुस्लिम के त्योहार है, दोनों धर्म के लोगों को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ त्योहार को मनाए और इसमें कोई भी झगड़ा ना करें। अगर कोई भी त्योहारों पर झगड़ा करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में सदियों से पुराने लखनऊ चौक में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। होली और शबे बारात के मद्देनजर चौक थाने में मीटिंग की गई। होली और शबे बारात एक साथ होने से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। मीटिंग में लखनऊ डीएम, ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया, नगर आयुक्त मौजूद रहे। वहीं नगर आयुक्त ने साफ सफाई के लिए भी नगर निगम को आदेशित किया। साथ ही खुशी में शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। क्या किस तरीके की मीटिंग गई थी और क्या कुछ बातें रखी गई हैं, क्या निर्देश दिए? लखनऊ में परंपरागत तरीके से बहुत उत्साह पूर्वक होली मनाई जाती रही है और इस बार भी होली का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ सीमाओं और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन तथा दूसरे विभागों के साथ यहाँ पर हमने जो डिफरेंट समितीज़ हैं
उनके नुमाइंदों से बातचीत की है, उनको अपनी बात बताई है, उनकी बातें उनके इश्यूज़ को समझा है। हमारे सभी अधिकारी नगर निगम और बाकी बिजली विभाग या जिसके भी प्रकरण की गई, क्या कुछ निर्णय निकले बैठक? देखिए, आगामी होली का जो त्यौहार है, होलिका दहन और होली होती है, साथ ही शबे बारात भी है, साथ है, इसको देखते हुए यहाँ पर सभी यहाँ के जो निवासीगण हैं और विभिन्न प्रतिनिधि हैं बैठक की है, जानने के लिए कि यदि किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानियां हैं, कोई जो है लोगों के मन में कोई मुद्दे हैं जो वो यहाँ लाना चाहते हैं और जिनका निराकरण कराना चाहते हैं, उस पर हम सभी लोग मिलकर विचार विमर्श कर सकें और विस्तारित कर सकें। और मैं आपको प्रकाश व्यवस्था है या उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था या सीवर की जो समस्या बताई गई है, हम सिर्फ सर्वे उसको पूर्ण करा लेंगे और अभी आज या कल में पूरा सर्वे करके जो भी होली की समितियाँ हैं जो उसको आयोजन करती हैं उनसे हमारा संवाद है, हम लोग इसको अगले 5 दिन में कम्प्लीट करेंगे। बहुत अच्छा था सर, चौक का जुलूस जो देखा गया है परंपरित है, कई सालों से निकल रहा है, चौक के जुलूस को निकलने की जो सड़कें हैं काफ़ी ख़राब हैं, नालियाँ सीवर भी बह रहे हैं और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं है, सारी चीज़ें करवाएं। सर अक्सर देखा गया है कि होली के बाद जो नालियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वो साफ नहीं हो पाती। जल संस्थान वाले रोड पे सारे कि होली में मुख्य रूप से पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी की सप्लाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। दूसरा, जो बिजली की सप्लाई और बिजली की व्यवस्थाओं में, जैसे कहीं पर अगर तार झूलते हुए हैं या उनको और ज़्यादा सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, तो वो बिजली विभाग के अधिकारियों को उस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। रायबरेली के बांदा बहराइच हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बांदा बहराइच हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बछरावा की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे बनी खंती में पलट गया। गनीमत रहे कि कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर में दबे ड्राइवर व क्लीनर को सकुशल बाहर निकाला। वहीं डंपर में फंसकर विद्युत तार टूट गया और कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। पोल क्षतिग्रस्त, क्या है पूरा मामला? एक पोल आ रहा था बछरावा तरफ से, जो कि भवानीगढ़ चौराहे ब्लॉक के सामने अनियंत्रित होके वो पोल तोड़ दिया, जिससे हमारी 8 पोल की लाइनें टूट गई और लगभग 300 मीटर का तार एसटी लाइन और 250 मीटर की एलटी लाइन टूट गई। क्या विभाग द्वारा चालक के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए? हाँ, इसके लिए चालक के लिए अभी तहरीर दे दिया जाएगा थाने में, और उसका जो भी वाहन होगा, ये गाड़ी के जो मतलब मालिक होंगे या इसका जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो वहन करेगी। क्या हुई है यहाँ पर? ये बछरावा की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, गांव किनारे जब लड़खड़ाया तो लोगों ने समझा कि क्यों लड़खड़ा रहा, जबकि कोई साधन नहीं था, और लड़खड़ा करके बस अनियंत्रित हो गया और खाई के नीचे चला गया। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों ने जब इकट्ठा होकर के देखा उसको, तो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भयंकर नशे में थे। किस गाँव के पास हुआ? भवानीगढ़। पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई और दोनों लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया, गाड़ी मौके पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।